विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं सफेदो विधानसभा गांव तेलीखेड़ा गांव में इस वक्त में मौजूद दोस्तों। और तेलीखेड़ा दोस्तों एक बहुत ही छोटा गांव है और बहुत ही कम यहां पर वोट है। तो आज तेलीखेड़ा गांव दोस्तों जसवीर देसवाल का भतीजा अनूप देसवाल अनुदीप दोस्तों आज तेलीखेड़ा गांव पहुँचे हैं। फिलहाल वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जारी आंटी भाई साहब, पहले तो मेरा नाम अनुदीप देसवाल है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, आप परिचित नहीं हुए हैं, मेरे प्यारे भाई हो आप। जितना आप साथ में मेहनत कर रहे हो आपका भी आभार प्रकट करता हूं, आपके चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। और जीत निश्चित है, आप हर गांव में देख रहे हैं। और दूसरे कैंडिडेट्स की हम बात ना करें क्योंकि उनके बौखलाहट सामने दिख रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हैं। जसवीर देसवाल को 8 तारीख को विधायक बनाना है। देखिए कल मैं दादाराम कुमार गौतम से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे से सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो जसवीर देसवाल जी से है, ऐसा क्यों? देखिए जी, संगठन से खतरा है क्योंकि विधायक जसवीर देसवाल जी को अगर आप देखेंगे पिछले 25 साल से वो सामाजिक कार्यों में है, कोई नया समाज सेवी बना है, कोई है, हमारी तो 4 पीढ़ियाँ समाज सेवी हैं। अगर आप दादा उद्यमी से उठाएंगे तो उन्होंने सदा व्रत दिए थे, हरियाणा में 2.5 गांव बोलते हैं कि भाई एक गेहूँ वाला था, एक अंटा था और आधा गांव था और कोई था, 2,000 आदमी खाना खाने आते थे जब अकाल पड़े थे। तो हमें ये चीज़ परिचय देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कौन समाज सेवा करता है कौन नहीं करता। ठीक है, 2 दिन आप बस चला देंगे वो तो चलो, बस सर्विस तो हमने भी चलाई हुई है, बट इन चीज़ों से नहीं, लोग पसंद नहीं करते इन चीज़ों को ज़्यादा। लोग पसंद करते हैं काम को, लोग पसंद करते हैं विकास को, लोग पसंद करते हैं भाईचारे को, लोग पसंद करते हैं कि भाई आपने विकास कार्य कितने करवाए, रोज़गार कितने दिए। तो विधायक जी के साथ ऑलरेडी उनकी 8 से 10 हज़ार लड़कों की टीम है, तो अगर आप सीधा सीधा देखें तो परिवार में 4-4 सदस्य भी हैं, 8 × 32, तो 32-35 हज़ार से तो इलेक्शन शुरू हो रहा है अगली बार। और बाकी आप कारवा भी देख रहे हैं कितना बड़ा है, हर गांव में समर्थन भी देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। तो वही है कि भाई देखिए, डर वही लगता है ना जिसको पता होता है कि भाई हाँ ये सच्चाई है। तो क्या सर, जिस तरीके से 2014 में जसवीर देसवाल की भारी बहुमतों से जीत हुई थी, क्या इस बार भी 2024 में जनता वही काम करने वाली है? देखिए, अगर आप उदाहरण उठाएंगे पहले का, वो कहते हैं इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता ज़रूर है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई सन 1987 में, जब जैसे मैंने अभी स्पीच में भी बताया था, तो सन 1987 में सरदूल जी आए जीते थे, उस टाइम भी भारी प्रत्याशी थे, वो निर्दलीय बने थे। दूसरी बार 2005 में करमवीर सैनी जी थे, बचन सिंह आर्या जी बने। उसके बाद 2014 में रिपीट हुई, निर्दलीय बने। 2024 में भी रिपीट होना है क्योंकि लोगों को विकास कार्य चाहिए। लोगों ने 5 साल पिछले खाली छोड़े हैं, लोग ये कह रहे हैं भाई हमें खाली नहीं चाहिए, अब की बार जो उनसी सरकार उसी को समर्थन, हमें विकास कार्य चाहिए। क्योंकि अब मेरी मोहना में भी ड्यूटी है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इतना बुरा हाल है, लोग समर्थन खुद ब खुद फ़ोन करके कह रहे हैं, बोले देसवाल साहब आप आओ और विकास करवाओ, बहुत हो गया है। मतलब हमसे देखा नहीं जाता, गलियाँ टूटी हुई, कीचड़, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है सफ़ेदों का। आज के दिन जो विकास कार्य हमने करवाए थे 5 साल पहले, उनको बिल्कुल एक तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है, सब ख़त्म कर दिया है उसको। तो वही है ना कि भी डेवलपमेंट होती रहेगी तो आगे काम बढ़ते रहेंगे, जब तक हम मूलभूत सुविधाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तो उसके आगे की कैसे सोच सकते हैं हम। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए विधायक जी ने लगभग 42 गहरे ट्यूबवेल भी लगवाए थे और लगभग 52 के करीब नई सड़कें, 56 थी पता नहीं 52 थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लगभग 600 करोड़ के विकास कार्य है। तो ये डर उसी विकास कार्यों का डर है ये, और उन्हीं संगठन का है जो हमारे कुंडू साहब हैं और जो हमारे गणमान्य सिंह साहब आए हैं, सरपत साहब और आए हैं हमारे। तो इनको ये दिख रहा है इनके साथ 36 बिरादरी का समर्थन है, कोई एक ऐसी बिरादरी नहीं है सफेदो हल्के के अंदर जिसमें विधायक जी को समर्थन नहीं मिला हो। अभी पीछे वाले गांव में आपने देखा, आलन जोगी खेड़ा में समस्त वाल्मीकि समाज ने समर्थन दिया, समस्त रोड समाज ने समर्थन दिया। तो हर 36 बिरादरी में विधायक जी का प्यार प्रेम वैसा ही है, भाईचारे वाला है, घर जैसे संबंध है। सब विधानसभा में लगातार आपको काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, प्यार तो देखो पिछले 25 साल से मिल रहा है क्योंकि हम संपर्क में हैं। लोग वो कहते हैं ना, एक तो कहते हैं वर्कर, ये हमारे भाई हैं, ये हमारा परिवार है, सफेदो हल्का हमारा परिवार है। और जब विधायक जी ने इलेक्शन लड़ने की सोची है, 2014 में लड़े थे तब प्यार मिला था, और 2024 में भी उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार मिलेगा। पिछली बार जीत छोटी हुई थी,
बट अब की बार जीत बहुत बड़ी होने वाली है। यदि सुविधा विधानसभा से जसवीर देसवाल जी जीत जाते हैं जी। हो बाद में यह ना हो कि गठबंधन की सरकार बने तो जसवीर देसवाल किस पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस में किसी और अन्य पार्टी? देखिए जी, वो तो भविष्य की बातें तो भविष्य में ही रहने दीजिए, तो ठीक है। तो हमें तो विकास कार्य करवाने हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सफेदो हल्के के वासी हैं, जो हमारा हाथ पकड़ के कह देंगे भाई जसवीर यहाँ जाना है, तो हम वहीं चलेंगे। हमें विकास कार्यों से मतलब है, हमने क्योंकि संगठन भी देखे, हमने पार्टियां भी देख ली, तो हम तो यही चाहते हैं हमें विकास हो, रोजगार के काम। दोस्तों आप देख सकते हैं जसवीर देसवाल जी का भतीजा हमारे साथ जुड़ा था और बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे सवालों के दोस्तों जवाब दिए हैं। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहने वाला आपकी बार जसवीर देसवाल जी का सुविधा विधानसभा में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।